और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसा नेता फिर दूसरा कोई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पैदा नहीं होगा। तो जगह दिया, यहाँ तक कि पोस्टर से भी फ़ोटो हटा दिया गया और उनका नाम निशान लोग मिटाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग अपने दिल में उनका नाम और चेहरा एकदम दिल में लेकर हम लोग चलते हैं और आगे जो होगा उसके लिए अब हम लोग काम करेंगे, जैसा होगा वैसा हम काम करेंगे। हम लोग यहाँ की जनता यही सोच रही है कि भाई इतना करने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला तो इस पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा है। वहाँ भी RJD के सींचने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है बिहार में, और उन्हीं के बल पर सरकार चलती थी, जो चाहते थे वही लालू यादव के लिए करते थे और उन्हीं के बदौलत उनकी सरकार थी। आज देखिए सरकार की हालत क्या बिहार में हुई है उनके नहीं रहने से। लेकिन यहाँ तक लोग किया कि उनके अपने सिवान का मिट्टी तक उनको नसीब नहीं होने दिया, ये लोग मरने के बाद, उनके मौत होने के बाद, और उनके जनाजे तक ये लोग नहीं पहुँचा, उनके घर भी हालचाल लेने के लिए नहीं पहुँचा। हम लोग यही सब देखते रह गए, आज तक देख रहे हैं। अभी फिलहाल जो उपचुनाव हुआ है गोपालगंज विधानसभा 101 में, हम लोग RJD के लिए काम किए हैं, हमारे राजू भाई हैं और उनके कार्यकर्ता हम लोग हैं, RJD का कार्यकर्ता हम लोग हैं, जितना मेहनत रातों दिन हम लोग एक किए हैं। लेकिन हर दरवाजे हर घर घर पर हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ जाने के बाद भी लोग एक ही मैसेज पूछ रहा था, एक ही जवाब पूछ रहा था कि हिना साहब का फ़ोटो पोस्टर में नहीं है, उसामा साहब का फ़ोटो नहीं है पोस्टर में, उनको प्रचार में क्यों नहीं उतारा गया। हर पूरे विधानसभा गोपालगंज विधानसभा में यही सवाल लोग कर रहा था। बताया गया था कि रियाजुल हक राजू को मंत्री बना दिया जाएगा, तो अब तक तो बना दिया जाना चाहिए, ये चीज़ तो आप लोगों को भी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए, हम लोग एकदम इंतजार कर रहे हैं, हम लोग हर टीवी चैनल को देख रहे हैं, हर अखबार को पढ़ रहे हैं, भाई कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रहा है। अभी तक तेजस्वी यादव जो आश्वासन दिए थे, उनका वादा किए थे और वादा उनका फेल हो रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक बनाते हैं देख रहे हैं। यहाँ के लोगों में उत्साह भी यही था कि हाँ राजू भाई को मंत्री बनाया जाएगा, तो लोग और भी लगन से मेहनत कर रहे थे चुनाव में कि चलिए और कुछ नहीं तो राजू भाई को एक बार मंत्री तो बन जाना चाहिए। एकजुट होकर के मेहनत किए कि चलिए उपचुनाव के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आया, सारे लोग मायूस पड़े हुए हैं। यहाँ के हालात वही है, सिवान का हालात वही है, तो इससे आप देखिए क्या अंदाज़ा लगता है लोगों। हम लोग जिधर जाते हैं उधर बदनामी बदनामी हो रहे हैं कि भाई मियाँ है मियाँ है मियाँ है, आखिर समझ में हम लोग कहाँ जाए, हम लोग नेता कौन है। सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की कल बरसी मनने वाली है और उसको लेकर के जो है जगह जगह चर्चा हो रही है कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक समय में सिवान के लिए जो है हर जगह उनका चर्चा हो रहा था और आज भी वो एक चर्चा का विषय ही बना हुआ है और एक राज ही बना हुआ है कि उसका जब से इंतकाल हुआ था सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, तब से गोपालगंज सहारनपुर कमिश्नर की बात करें या तो हम पूरे बिहार की बात करें तो आज तक जो है तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं कि कोरोना काल में आखिर उनका बॉडी तक भी सिवान में नहीं आ पाया था, उसको लेकर के हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं और यहाँ पे हमारे साथ अभी भोला भाई भी मौजूद हैं जो उचका गाँव प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये किस तरह से अपना विचार रखते हैं और क्या कुछ सोचते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में। देखिए जहाँ तक सवाल है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, तो एक तो बहुत बड़ा होनहार व्यक्ति थे वो और सभी जाति के एक मसीहा थे, उनके अंदर जाति का कोई फीलिंग नहीं था। और रहा सवाल कि कोरोना काल में उनका जो मृत्यु हुआ, ये मृत्यु साजिश राजनीति के चलते उनका मृत्यु हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब रहा सवाल कि मसीहा तो थे, अभी तो रहे नहीं दुनिया में, चले गए, अब इसके बारे में अब हम लोग अपना एक संगठन तैयार कर रहे हैं, इस संगठन को अब क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखें हिना साहब, डॉक्टर साहब की जो पत्नी है हिना साहब, उनके बारे में अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी से भी उनका कोई अभी कुछ तक कोई सुझाव नहीं मिला, ना कोई उनका झुकाव पार्टी का हुआ, और उनके लड़के हैं उसामा साहब, उनको भी अभी तक कोई इस तरह का उन लोगों का सुझाव नहीं दिया गया कि हाँ आप लोग रहिए या काम कीजिए या आप लोगों को सीट दिया जाएगा या टिकट दिया जाएगा, इस तरह का कोई अभी तक सुझाव नहीं आया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये लोग अपना कोई अपना एक अलग रास्ता अख्तियार करें, अख्तियार करेंगे तो बिहार में हो सकता है कि इसका भूचाल आ जाए। मेरा नाम खुर्शेद आलम खान है, मैं पूर्व BDC बरियादूर पंचायत उचका गाँव प्रखंड से हूँ। बहुत दुखद खबर है कि कल उनका बरसी मनाया जा रहा है, बहुत दुख की बात है।
उनका कोरोना तो सिर्फ उनका बहाना था, उनका कोरोना में उनका मतलब हत्या कर दिया गया, सीधा सीधी एकदम हत्या किया गया है, कोरोना सिर्फ बहाना था। और ऐसा नेता बिहार में के चलाए, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, पूरी दुनिया उनकी चर्चा करती थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसा नेता फिर दूसरा कोई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पैदा नहीं होगा। अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग का कोई नेता नहीं दिख रहा है, जो भी नेता सामने बनकर आ रहा है राजनीति के तहत हो चाहे जैसा भी षड्यंत्र रच के, उसको इतना मतलब दुखद मौत दिया जा रहा है, इतनी बुरी तरह से लोग जो यहाँ शासन है, प्रशासन है, सरकार है, मतलब बहुत बुरा तरीके से उसको मार रही है, हत्या कर रही है। अब समय में नहीं आ रहा है कि हम मुसलमान लोग हैं किधर जाएं, क्या करें, कुछ समय में नहीं आ रहा है। हम लोग जिधर जाते हैं उधर बदनामी बदनामी हो रहे हैं कि भाई मियाँ है, मियाँ है, मियाँ है। आखिर समझ में हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग नेता कौन है। सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी में हम लोग हैं, अभी तो हम लोग RJD के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे देखिए कि अब हिना साहब हैं, उसामा साहब हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। अब देख रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पार्टी क्या कर रही है उनके लिए। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, अब क्या करेंगे, क्या धरेंगे, कहाँ और कौन स्थान देंगे, आगे हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग क्या करना चाहिए। इस बात का कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आपको दुख है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल होने के बाद हिना साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय था कि राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बनाने में बहुत अहम योगदान जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का रहा है। बेशक दुख तो इस बात का है, अभी तक तो कोई हिना साहब का कोई मैसेज लोग नहीं दिया, ना कोई जगह दिया, यहाँ तक कि पोस्टर से भी फोटो हटा दिया गया और उनका नाम निशान के लिए मिटाना चाह रहा है। लेकिन हम लोग अपने दिल में उनका नाम और चेहरा एकदम दिल में लेकर हम लोग चलते हैं, और आगे जो होगा उसके लिए अब हम लोग काम करेंगे, जैसा होगा वैसा हम काम करेंगे हम लोग। क्या कुछ कहेंगे, एक समय था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बहुत बड़ा योगदान था उनको राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आज उन्हीं के वाइफ जो है हिना साहब उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देखिए शहाबुद्दीन साहब जो थे वो अजीब एक तरह का उनका नेतृत्व रहा बिहार में, और उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके परिवार के लिए उन लोगों ने कुछ अभी तक नहीं किया जो करना चाहिए। मरते समय भी बोले कि हमारा नेता लालू यादव ही है। मरते समय के बाद तो बात है ही है, लेकिन रहा सवाल कि मरने के बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ के सारे जनता लोग ये सोचा कि लाश उनका आएगा सिवान सरजमी पे, लेकिन आया नहीं। ना उसमें तेजस्वी का कोई भूमिका रहा, ना नीतीश कुमार का कोई भूमिका रहा, ना बिहार के किसी कोने का कोई लीडर का भूमिका नहीं रहा लाश लाने में, यहाँ वहाँ मदद करने में। रहा सवाल कि वहाँ के आप पार्टी के एक नेता थे उनके करीबी, जिन्होंने जा कर के उस बेचारे ओसामा साहब का हेल्प किया, हेल्प करने के बाद से लाश को उन लोगों ने अपने हाथ में लिया, ले करके वही दिल्ली के सरजमी पे उनको सुपुर्दे खाक किया गया। बताइए इससे बड़ी दुखद क्या हो सकती है कि उनका हम लोग मिट्टी देने के लिए भी तरस रहे थे लेकिन मिट्टी हम लोग नहीं दे पाए। बताइए इसमें लालू यादव या राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव का क्या इसमें भूमिका है, बताइए। यहाँ की जनता यही सोच रही है कि भाई इतना करने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला तो इस पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा है, हमको यही कहना है। क्या कहिएगा आप, एक समय था कि अपना मुख्यमंत्री चाहते तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बन सकते थे, लेकिन लालू यादव के लिए उनकी वाइफ को राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, लेकिन आज उनकी जो पत्नी है हिना साहब को भी वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आज उनका कल उनका बरसी है, क्या कुछ कहेंगे। हिना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हो, और ये लोग सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं, कोई मुस्लिम लीडर को नेता को ये लोग लीडर नहीं बना रहे हैं। ये लोग मुस्लिम के एक मोहरा बना के ये लोग वोट ले रहे हैं, अपना सिर्फ देख रहे हैं। अगर ये लोग अपना ना देखते तो अभी जो उपचुनाव हुआ गोपालगंज में, हम लोग उसमें बहुत काफ़ी मेहनत किए, बहुत रात दिन एक किए थे RJD के लिए। RJD के
जब से आरजेडी पार्टी आई उस आरजेडी में हम लोग काम करते हैं, लेकिन आरजेडी कोई ऐसा चेहरा मुस्लिम को लेके नहीं आती है जे मुस्लिम एक लीडर हो सिवान से चाहे गोपालगंज से और वो जीते तो उसको कोई लीडर बनाया जाए। कभी भी मुस्लिम अगर कोई नेता यहाँ पे पैदा हुआ है और जीत के गया है तो पीछे ही है आरजेडी में। वही देखिए कहीं से उनका जाति अगर जीत के आता है वो कैसा भी हो उनको लीडर बना दिया जाता है, मतलब मंत्री पद दे दिया जाता मंत्री पद दे दिया जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। सिर्फ क्योंकि वो लोग अपना रोटी सेकते हैं, अगर अपना रोटी नहीं सेकते तो मान लीजिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, उनके मौत होने के बाद एक बार भी वो लोग देखने चाहे पूछने नहीं गए और दूसरे दूसरे पार्टी के लीडर लोग गए, जो भी करना था किए और करके उनको जैसे भी हुआ मिट्टी दिल्ली में दिया गया। इस बात के लिए हम लोगों को दुखद है और इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं बोलना सर। देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को मुस्लिम का एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए। अभी जो हाल हो रहा है देखिए उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों के संपत्तियों को नष्ट तहस नहस किया जा रहा है। कितने माफिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं लेकिन प्रशासन वहाँ की सरकार उसके पीछे नहीं जा रही है और सिर्फ टारगेट मुसलमानों को बनाया जा रहा है। यहाँ भी बिहार में देखिए रामनवमी के जुलूस में जो सासाराम में जो दंगा कर दिया है लोग, अभी तक उसका जांचे चल रहा है। सिर्फ एक विधायक का दिखाया जा रहा है कि एक विधायक बीजेपी के विधायक पर एक FIR हुआ है, पूर्व विधायक पर कोई एक्शन नहीं है सरकार की, ना कोई मुआवजा की। जितने लोग मारे गए हैं हम लोग आपके टीवी चैनल माध्यम से हम लोग देखते हैं, वहाँ भी आरजेडी के सींचने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है बिहार में और उन्हीं के बल पर सरकार चलती थी, जो चाहते थे वही लालू यादव के लिए करते थे और उन्हीं के बदौलत उनकी सरकार थी। आज देखिए सरकार की हालत क्या बिहार में हुई है उनके नहीं रहने से, लेकिन यहाँ तक लोग किया कि उनके अपने सिवान का मिट्टी तक उनको नसीब नहीं होने दिया ये लोग, मरने के बाद उनके मौत होने के बाद और उनके जनाजे तक ये लोग नहीं पहुँचा, उनके घर भी हालचाल लेने के लिए नहीं पहुँचा। हम लोग यही सब देखते रह गए, आज तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को और बहुत नाराज लग रहे हैं आरजेडी के तरफ। जी हाँ नाराज तो हैं, नाराज है लेकिन काम करते हैं हम लोग आरजेडी के लिए। अभी फिलहाल जो उपचुनाव हुआ है गोपालगंज विधानसभा 101 में, हम लोग आरजेडी के लिए काम किए हैं। हमारे राजू भाई हैं, उनके कार्यकर्ता हम लोग हैं, आरजेडी कार्यकर्ता हम लोग हैं। जितना मेहनत रातों दिन हम लोग एक किए हैं, लेकिन हर दरवाजे हर घर घर पर हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ जाने के बाद भी लोग एक ही मैसेज पूछ रहा था, एक ही जवाब पूछ रहा था कि हिना साहब का फ़ोटो पोस्टर में नहीं है, उसामा साहब का फ़ोटो नहीं है पोस्टर में, उनको प्रचार में क्यों नहीं उतारा गया। हर पूरे विधानसभा गोपालगंज विधानसभा में यही सवाल लोग कर रहा था। हम लोग जवाब दे रहे भाई अभी तत्काल उनका मृत्यु हुआ है, वो अभी जो है वो बाहर नहीं निकलेंगी क्योंकि कुछ महीने जो इद्दत बिताया जाता है। तो लोगों ने सवाल किया तो फिर ओसामा साहब को काहे नहीं बुलाया गया, उनका पोस्टर काहे नहीं लगाया गया, तरह तरह के पब्लिक सवाल कर रही थी। खासकर में हम तो नाराजगी हमारे आप देख रहे हैं, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों में नाराजगी है, अकेले हम नाराज नहीं हैं। अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं तो रियाजू लक राजू को भी मंत्री बना सकते हैं, उनके पास उतना तो एकदम आश्वासन दिए थे हमको। देखिए हमको हम लोग कुछ करना चाहते हैं, किसी चैनल से हम लोग मालूम हुआ था कि गोपालगंज उपचुनाव होने के बाद उनको जो है कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा, उनको लिए कोई ना कोई मंत्री कोई पद कोई जगह उनको दिया जाएगा, लेकिन कोई विभाग उनको नहीं मिला। वो जहाँ है वहीं है और आज के डेट में भी आरजेडी के लिए एकदम जीव जान से लगे हुए हैं। उनको एक फ़ोन आता है तो हम लोग रात दिन एक एक कर देते हैं कि भाई ना भाई आरजेडी के लिए हम लोग मेहनत करें, भले पार्टी कुछ भी समझे, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी मानेगी नहीं कि वोट दिए हैं। और हम लोग अगर वैसी के पार्टी के वोट दे रहे हैं तो गड्ढा में जा रहा है, इसलिए सब सोच के हम लोग रात दिन मेहनत किए घूमे। लेकिन हर दरवाजे पे हम लोग गए, लड़का लोग जितना जो यंग ब्लड है सब यही सवाल करता था कि भाई पोस्टर में फ़ोटो नहीं है ओसामा साहब का, हम लोग वोट नहीं देंगे। बहुत कोशिश हम लोग किए नाराज़गी दूर करने के बावजूद भी लोग जो है वोट को तहस नहस कर दिया, जिसके वजह से यहाँ से सीट जो है आरजेडी हार गई और असलम साहब को 8000 कुछ वोट उनको मिल गया और उतना ही से हम लोग हार हो गया। यहाँ से इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग हार गए, हम लोग को बहुत अफसोस इस बात का है। और आगे हम लोग
मेहनत करेंगे। नाराजगी है, एक तरफ नाराजगी है, ठीक है, लेकिन हम लोग काम करेंगे, आरजेडी के लिए काम करेंगे। जब तक ले आरजेडी रहेगी तब तक हम लोग आरजेडी के लिए हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वोट मांगेंगे और जीओ जान से लगे रहेंगे इसमें। एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे एकदम एक वर्ड में कि जैसे बताया गया था कि रियाजुल हक राजू को मंत्री बना दिया जाएगा, तो अब तक तो बना दिया जाना चाहिए, ये चीज़ तो आप लोगों की भी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए, हम लोग एकदम इंतजार कर रहे हैं, हम लोग हर टीवी चैनल को देख रहे हैं, हर अखबार को पढ़ रहे हैं, भाई कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रहा है। अभी तक तेजस्वी यादव जो आश्वासन दिए थे, उनका वादा किए थे, और वादा उनका फेल हो रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक बनाते हैं देख रहे हैं। यहाँ के लोगों में उत्साह भी यही था कि हाँ राजू भाई को मंत्री बनाया जाएगा, तो लोग और भी लगन से मेहनत कर रहे थे चुनाव में कि चलिए और कुछ नहीं तो राजू भाई को एक बार मंत्री तो बन जाना चाहिए इस बार चुनाव में। उपचुनाव हाँ, राजू ने गोपालगंज, इसलिए सारे वो लोग जो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे ना, सारे लोग एकजुट होकर के मेहनत किए कि चलिए उपचुनाव के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आया, सारे लोग मायूस पड़े हुए हैं। यहाँ के हालात वही है, सिवान का हालात वही है, तो इससे आप देखिए क्या अंदाज़ा लगता है लोगों को। आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। इस वीडियो में इतना है।